तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इस हार्ड डिस्क को यहाँ पे मतलब इंस्टॉल करना है अपने सीपीयू में। तो इसका अनबॉक्सिंग वगैरह मैं वीडियो बनाया हूँ, आप जाके देख सकते हैं मतलब कैसे रजिस्टर वगैरह करना है इसको। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट वगैरह रजिस्ट्रेशन का ये सब वीडियो मिल जाएगा। तो ये सीगेट का 2 TB हार्ड ड्राइव है। तो यहाँ पे मैं सक्सेसफुली इसका अनबॉक्सिंग करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये लगाना है। मैं अनबॉक्सिंग नहीं किया, मतलब एक शॉर्ट डाला था मैं, तो उसके ऊपर मैं बोल रहा था। तो यहाँ पे मैं इसका पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। ये 2 TB का सीगेट का हार्ड ड्राइव है, 256 MB कैच है इसका, स्पीड 5400 RPM है इसका। तो ये साटा हार्ड डिस्क है 12 कूड़ा। तो यहाँ पे देखते हैं आप लोग, सीगेट का 12 कूड़ा है ये। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको ये लगाना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही नया है ये, एकदम नया फील दे रहा है ये, ऐसा तो हो ही रहा है, हल्का भी हो गया है। पहले के हार्ड डिस्क काफ़ी वेट हुआ करते थे, ये थोड़ा हल्का लग रहा है। मेरा पुराना वाला हार्ड डिस्क ज़्यादा वेट है इससे। तो यहाँ पे चलिए मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए मैं अपना सिस्टम यहाँ पे खोल चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा कैबिनेट है, तो कैबिनेट के पीछे मैं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे देख पाएंगे पीछे ये जगह दिया हुआ है, तो इसमें मैं लगा के दिखाऊंगा आपको। तो ये पीछे का हिस्सा है मेरे कैबिनेट का, आगे का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आगे देखिए कुछ इस तरह का आता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो चलिए आप पीछे की तरफ ले चलता हूँ, इसको साइड डाउन पे गिराता हूँ, दिखाता हूँ कैसे इसको लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा SMPS के साइड में जगह है, तो यहाँ पे मैं वायर वगैरह पहले पुल कर लेता हूँ उसमें से, उसके अंदर मेरे वायर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपार्टमेंट खाली है। तो यहाँ पे देखिए साइड में एक नॉब मिलेगा, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये मतलब स्क्रू की तरह है, इसको खोल लेना पहले। तो अगर आप प्रीमियम ये कैबिनेट लेते हैं तो उसमें आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बस एक प्लास्टिक का स्लॉट आता है, आप जैसे ही प्रेस करके उसको खींचेंगे आ जाएगा, हार्ड डिस्क लगाइए और डाल दीजिए। लेकिन मेरा थोड़ा बजट मदरबोर्ड है, तो इसको ऐसे पुल करना है। पुल करने के बाद ये देखिए हमारा कंपार्टमेंट आ गया है। तो हार्ड डिस्क को आपको इससे पकड़ना है, इसे पकड़ने के बाद आपको ऐसे करना है, इसको ऐसे लगा के ऐसे रख के, देख पाएंगे आप लोग ऐसे रख के इसको इसके अंदर फिट कर देना है, ऐसे ये ऑटोमेटिकली आपका अंदर चले जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये इंसर्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे स्क्रूस वगैरह हैं, आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रू, देखिए यहाँ पे इस साइड में आपको चारों स्क्रू मिल जाएंगे डालने के लिए, डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे चारों स्क्रू हमारा आ गया है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप थोड़ा इसको उल्टा करके भी लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके लगाने के। तो मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली बैठ गया है। तो यहाँ पे मैं बस सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे स्क्रू लगा देता हूँ, स्क्रू लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रू वगैरह लगा के यहाँ पे देखिए ऐसे फिट कर दिया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये हमारा साटा पावर का है, ये हमारा साटा ये है जो हमारा मदरबोर्ड में कनेक्ट होगा, और ये मदरबोर्ड में होगा, ये वाला जो छोटा वाला स्मॉल इस है, और ये हमारा पावर के लिए है। तो ये SMPS से आएगा, ये मदरबोर्ड में लगेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले लगा देता हूँ इसके अंदर कंपार्टमेंट, जो जगह है यहाँ पे लगा देता हूँ, फिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसे करना है, तो यहाँ पे आपको देखिए इस तरह से रखना है, इसको ऐसे रख के प्रेस करके इसको ऐसे पुल कर देना है। तो ये पुल करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे फिट हो गया, अभी निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये आगे ना आए करके फिर से हमको ये स्क्रू लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम सक्सेसफुली यहाँ पे लगा चुके हैं, यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग। तो हमारा हार्ड डिस्क सक्सेसफुली सेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैं पिन के बारे में बात कर रहा था, तो हमारा देखिए एक इस टाइप का पिन आता है यहाँ पे देख पाएंगे, तो आपको अगर मॉड्यूलर है तो उसमें लगाना पड़ेगा अलग से। तो देखिए हमारा SMPS से आया है, तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद हम अपना दूसरा वाला लगाएंगे। तो ये पिन में देखिए डिज़ाइन है, तो यहाँ पे देखिए एक कटआउट है, यहाँ पे देख पाएंगे कटआउट साइड में। तो आपको यहाँ पे देखना है यहाँ पे ये कटआउट कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए इसका कटआउट यहाँ पे है। तो आपको इसको इस तरह से रखना है, तो हमारा इस साइड में है, तो ऐसे रख के इसको, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, तो यहाँ पे रख के बस इसको ऐसे प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये है साटा का पावर वाला केबल, ये लग चुका है यहाँ पे। आप इसे थोड़ा प्रेस करें, डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई डैमेज वगैरह नहीं होगा, थोड़ा अच्छे से प्रेस कर दें इसको। अब उसके बाद देखिए हमारा यहाँ से आया है, तो ये देख पाएंगे ये, तो ये हमारा कनेक्शन के लिए है, तो ये आपको मदरबोर्ड में लेके जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा लाल वायर है, मैं आपको दिखाता हूँ उस साइड चल के कि कहाँ पे लाल वायर लगेगा। तो पहले मैं इसको फिट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए इसको साइड करके, तो यहाँ पे देखिए हमारा लाल वायर सेम इसमें भी है, वही कटआउट है, यहाँ पे देख पाएंगे साइड में एक ट्राइंगल सा कटआउट बना होगा, तो हमारा ये कटआउट उस साइड है। तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे रख के, यहाँ पे रखने के बाद इसको ऐसे प्रेस कर देंगे, तो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो गया है। तो इस तरीके से आपसे इंस्टॉल करना है। अब देखिए लाल वायर का मैं बता रहा था, तो वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लाल वायर हमारा यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे देखिए लाल वायर का बहुत सारे जगह रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए साटा बोला जाता है, तो आपको समझ देखिए यहाँ पे इस तरह का आता है। तो
यहाँ पे देखिए मेरा दो है, यहाँ पे दो है, और यहाँ पे देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये दोनों सेट अटका है मेरा, पता नहीं आप लोगों को, ये सेट अटका है, सेट अटका है, तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल लगाया हूँ। यहाँ पे देखिए तो ये भी सेम इसी की तरह है, यहाँ पे दो है और यहाँ पे हमारा चार है, तो इस तरीके से आपको लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ। इंस्टॉल करने के बाद मुझे यहाँ पे देखिए पता नहीं दिखा रहा है कि नहीं, मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दिखा नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पुराना हार्ड डिस्क है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको उसको अनेबल करना है, मतलब सॉरी अनेबल बोल रहा हूँ, जो ड्राइव है, न्यू ड्राइव हमने इंस्टॉल की है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जस्ट यहाँ पे आपके माई कंप्यूटर का जो लोगो होता है वहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे मेरे केस में दिस पीसी है, 10 में भी यही होगा। तो यहाँ पे देखिए दिस पीसी में जाना है। दिस पीसी में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा विंडो पॉपअप होगा। तो उसके बाद देखिए आपको डिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे लास्ट सेकंड ऑप्शन डिस्क मैनेजमेंट का दिखेगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए न्यू ड्राइव हैज़ बीन डिटेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए यू मस्ट इनिशियलाइज ये डिस्क बिफोर लॉजिकल डिस्क मैनेजर कैन एक्सेस इट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ये सब पूरा है, तो हमारा यहाँ पे डिवाइस ये शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करना है MBR या GPT, तो हमारे केस में GPT रहने देते हैं, तो GPT अच्छा है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको इस जो ये चीज़ देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे देखिए अनलोकेटेड दिखा रहा है अभी यहाँ पे, तो ये अनलोकेटेड दिखा रहा है। तो इसको आपको बेसिकली करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको इसको राइट क्लिक करना है, सॉरी लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको देखिए न्यू सैम्पल वॉल्यूम आपको यहाँ पे क्लिक करना है। न्यू सैम्पल वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे सेटअप करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पूरा 1.8 TB ऐसे ही कुछ आएगा, उतना ही आएगा। तो आप इसको क्या है, इस लेटर को क्या देना चाहते हैं, मतलब अल्फाबेट जैसे डी होता है, सी होता है, तो यहाँ पे हमारा ई रहते हैं, बाय डिफॉल्ट ई रहने देते हैं, सी डी ई मेरा ऐसे ही सही है। उसके बाद देखिए अगर आप चाहें तो आप इसे ये भी कर सकते हैं, ब्राउज भी कर सकते हैं, माउंट भी कर सकते हैं। तो हम इसे ड्राइव में सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए बाई डिफॉल्ट जो है ऐसे ही रहने दे। वॉल्यूम लेवल अगर आप कोई नेम देना चाहते हैं तो वो देने दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। वहाँ पे देखिए परफॉर्म क्विक फॉर्मेट अनेबल फोल्डर कंप्रेशन ये सब रहने दीजिए, ऐसे बाई डिफॉल्ट जो है उसको रहने दे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऊपर क्लिक करें, फिनिश के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पे देखिए हमारा सक्सेसफुल फॉर्मेट हो रहा है। फॉर्मेट होने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा न्यू ड्राइव क्रिएट हो चुका है। अब न्यू ड्राइव क्रिएट होने के बाद मैं फिर से देखिए यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ। ओपन करते देखिए हमारे पे आए, यहाँ पे जो हमारा ड्राइव है सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, तो देख पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए न्यू लेवल करके आ रहा है, मतलब न्यू वॉल्यूम लेवल बोल रहा हूँ मैं। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब चेंज करने के लिए जस्ट आपको न्यू लेवल को पहले भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया कन्फ्यूजन के लिए, क्योंकि ज़्यादा प्रोसेस था वहाँ पे। तो देखिए शो मोर ऑप्शन, रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, तो सेम मैं यहाँ पे लिख दूंगा लोकल ड्राइव सी या कुछ भी, तो अभी रहने देते हैं। तो इस तरीके से आपको न्यू ड्राइव इंस्टॉल करके लगाना है, फॉर्मेट करना है, तो ये सब पूरा प्रोसेस है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। तो अगर आपको PC टिप्स वगैरह से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं पूरा असेंबल गाइड बनाया हूँ कि कैसे आपको PC बिल्ड वगैरह करना है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है कैसे इंस्टॉल करते हैं, और भी बहुत सारे कैबिनेट से रिलेटेड, मदरबोर्ड से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। इंस्टाग्राम पे हैंडल्स हैं, उसमें मेरे को फॉलो करके बात कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है बने रहे हमारे चैनल पर। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।